अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो गाइस, आप देख रहे हैं मिस्टर उमर। अच्छा तो गाइस, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से असाइनमेंट बनाकर जो है लिख कर, रिटर्न एसेज लिख कर या अपने असाइनमेंट्स बनाकर जो है ना आप ऑनलाइन पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा तो गाइज, आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है स्टडी। फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी सर्विस, इसको आपने ओपन कर लेना है। गाइज फर्स्ट ऑप्शन आएगी हमारे पास, इसको आपने जो है ना ओपन कर लेना है। अच्छा तो गाइज, ये जो वेबसाइट है इसका इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो गाइज, ये जो वेबसाइट है बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। चलो गाइज, आपने यहाँ पे असाइनमेंट किस तरह क्रिएट करनी है और किस तरह इनको सेल आउट करनी है, किस तरह आपने जो है ना अर्निंग करनी है प्रॉपर, आपने समझना है। गाइज ये देखें, फर्स्ट फर्स्ट ऐप पे वो कह रहा है सेल एसे ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो गाइज ये देखें, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे वो कह रहा है जी सेल ऐसे ऑनलाइन, कह रहा है कि इस पे इस वेबसाइट पे अगर आप आपको जो है ना काम करने के 25 से 40 डॉलर आप इजीली अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, ये काम किस तरह करना है ये भी प्रॉपर समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि जो है ना आपने अपलोड करने हैं ऐसे, ठीक है, और तकरीबन कोई 10 पेपर्स, मतलब 10 10 पेजेस जो हैं, 10 पेजेस के जो ऐसे हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, मतलब यहाँ पे आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे कह रहा है जी कि जब आप लोग, मतलब वो उनको सेल कर देंगे, जब आप उनको अपलोड करेंगे तो भेजेंगे उनको आप अपने असाइनमेंट्स भेजेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 to 7 days वो चेक करेंगे, देन अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी असाइनमेंट तो वो आपको कैश आउट योर अर्निंग, तो आपको जो है वो कैश दे देंगे, मतलब आप अर्निंग जो है वो इजीली कर लेंगे। अच्छा जी, अब उनको मेल करनी पड़ेगी। अच्छा ये लिखा हुआ, सेंड योर एसे टू दिस मेल, इस पे जो है आपने अपना जो भी एसे होगा, ठीक है, वो आपने इस ईमेल पे उनको सेंड करना है। अच्छा जी, आगे क्या करना है जी, आगे वो कहता है जी टॉप सेलर जो है वो जी अर्निंग कर रहे हैं जी, इतनी अर्निंग है, उसके बाद इतनी अर्निंग है, इतनी अर्निंग है, डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग्स जो है ना लोग कर रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल्स, मतलब सैम्पल्स दिए हुए हैं कि इन लोगों ने जो है ना अर्न किए हुए हैं। देन तो गाइस नीचे आ जाते हैं। बताने का मकसद गाइस ये है कि आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा तो गाइस यहाँ पे वो कह रहा है जी आल्सो वी विल पे अप $150 फॉर गुड एप्लीकेशन ऐसे, और वो कह रहा है जी अच्छी एप्लीकेशन होगी तो $150 भी आपको हम पे करेंगे। अच्छा जी नीचे आ जाते हैं। जाने के बाद जो है सिंपल रूल्स हैं इसके, सेंड अस, ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको जो है मेल करनी है इस पर, ठीक है ओके। उसके बाद वो कह रहा है जी इसमें हम उसको जो है पे करेंगे, ठीक है, कह रहा है वंस सोल्ड टू अस यू मस्ट नॉट पब्लिश द वर्क एनीवेयर एल्स, के वो कह रहा है कि अगर आपकी असाइनमेंट जो है, पुरानी असाइनमेंट जो है, अगर वो किसी और वेबसाइट पे अपलोड हुई हुई है, किसी भी वेबसाइट पे अपलोड हुई हुई है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चलेंगी। अच्छा तो गाइज यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे थोड़ा करते हैं हम, तो ये देखें वो कह रहे जी कि ऐसे बिटवीन 1000 एंड 2000 वर्ड्स आर प्राइस्ड, मतलब अगर वो कह रहा है कि ऐसे जो है वो 1000 या 2000 वर्ड्स का हो तो जो उसकी प्राइस जो डिसाइड होती है वो होती है 40 to 45, ठीक है, पर एवरी नेक्स्ट होल 1000 वर्ड,
वो कह रहा है कि अगर 1,000 या 2,000 वर्ड्स अगर आप जो है उसमें पुट करते हैं ऐसे में, तो जो है उसकी जो प्राइस होगी वो 40 to 45 जो है ना डॉलर वो आपको वो पे करेंगे। और नीचे वो कह रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ ऐसे, मतलब जो कम से कम जो लेंथ होनी चाहिए ऐसे की, कितने वर्ड्स होने चाहिए उसमें, तो उसमें 800 वर्ड्स टोटल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे कर लेते हैं। स्कूल ऐसे आर प्राइस 20% लोअर देन यूनिवर्सिटी ऐसे, तो वो कह रहा है कि स्कूल्स के जो ऐसे हैं वो 25% कम होंगे किससे, यूनिवर्सिटीज़ के जो ऐसे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ वालों के जो ऐसे होंगे उसकी ज़रा प्राइस होगी वो अप होगी। तो गाइस ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये जब सब चीज़ों का आपको पता होगा तो आप इजीली जो है ना इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो भाई आपने क्या करना है, आपने जो है वो एसेज लिखने हैं, ठीक है, और जो के कहीं पे भी अपलोड वगैरह ना हुए उससे ऐसे आपने राइट करने हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स तैयार करनी है, और यहाँ पे आप अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। मेरी जो राय है वो ये है कि आप तकरीबन कोई कोई 3-4 एसेज अगर आप मतलब एक दफ़ा में ही क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, बनाने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आप इस ईमेल पे जो है ना वो सेंड करें, कि कोई ना कोई एक तो वो एक्सेप्ट करेगा ही ना। तो भाई आप जो है इस तरह से भी काम इस पे कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो मैं इंशाल्लाह लाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।